हाय मेरे दोस्त, आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 3 का बी का क्वेश्चन नंबर 18 बताने जा रहे हैं, जो कि लुसेंट मैथ का ये क्वेश्चन है। तो ये जो है क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है ये दोनों को समीकरण के रूप में लिखेंगे और उसके बाद जो है विलोपन विधि द्वारा हम हल करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सोल्यूशन। यहाँ जो दिया गया है समीकरण जो है ऐसे दिया गया है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे इस प्रकार से a1x + b1 = c1। हम इससे जो है ऐसा लिख लेंगे तो हमारा जो है समीकरण फर्स्ट तैयार होगा। तो यहाँ से हम चलते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसे हम x y 3 + y/4 = 11। इस प्रकार से तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है भिन्न का जोड़ के रूप का है, तो यहाँ से क्या करेंगे दोनों के एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का 3 और 4 के एलसीएम आ जाएगा 12। अब जो है इससे भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को हम इससे गुना करेंगे तो x को, तो 4x आ जाएगा। 4x + अब 4 से भागा देंगे 12 को, तो 3 × 12 आ जाएगा। अब y को 3 से हम गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा = 11। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी हमको गुना करना पड़ेगा, इधर भी तिरछा तिरछी और इधर भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो इसके इसके साथ करेंगे वो x से, तो हो जाएगा ये हमारा या 4x + 3y = इसको इसके साथ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 × 11। तो या करेंगे 4x + 3y = अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 × 20 = 120 और फिर हो जाएगा कितना 12। तो यहाँ से हम जोड़ते हैं तो 2 × 2 = 1, 3 × 1 = 1, ये हमारा ये आएगा गुना करके, तो यहाँ से आ जाएगा 132। तो यहाँ से जो हमारा है समीकरण फर्स्ट तैयार हो चुका है, जो कि इसके जैसा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब चलेंगे क्या, इससे चलेंगे समीकरण सेकेंड हम तैयार करेंगे। तो इसको जो है इसके रूप में हमको लिखना पड़ेगा a2x + b2 = c2, तब जो हमारा है समीकरण सेकेंड प्राप्त होगा। तो चलते यहाँ से लिखेंगे 5x/6 - y/3 = -7। इस प्रकार से, तो ये दोनों को भी क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 6 और 3 का एलसीएम जो है 6 ही आएगा। अब 6 से भाग देंगे 6 में तो ये का आएगा 5x को हम 1 से गुना करेंगे तो 5x आएगा माइनस, अब 3 से भाग देंगे हम क्या 6 को, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को अगर y से गुना करेंगे तो 2y आ जाएगा = -7। इस प्रकार से अब दोनों साइड जो है 1 1 बटा आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 को टोटल को गुना करेंगे, 6 को 7 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा या 5x - 2y = 6 × 7 = 42। ये हमारा माइनस में आएगा, ये हमारा जो है समीकरण सेकेंड प्राप्त हुआ। इस प्रकार से समीकरण सेकेंड प्राप्त हो चुका है और जो है पहले से फर्स्ट प्राप्त हो चुका था। अब क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को विलोपन करने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को विलोपन करने पर। इस प्रकार से लिख लेंगे हम, तो ये हमारा जो समीकरण फर्स्ट जो दिया गया है इस प्रकार से लिखा गया है 4x + 3y = 132, और उसके बाद जो है समीकरण सेकेंड जो दिया गया है लिखेंगे नीचे 5x - 2y = -42। इस प्रकार से लिखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है बाई को हम जो है बराबर करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो समीकरण सेकेंड में जो है बाई का गुणांक 2 है, तो 2 को जो है समीकरण फर्स्ट में हम गुना कर देते हैं, और समीकरण फर्स्ट में जो बाई का गुणांक जो है 3 उसको समीकरण सेकेंड में हम गुना कर देते हैं। इस प्रकार से अब क्या हो जाएगा हमारा, इसको जो है 2 से जो है ये तीनों को गुना करते हैं, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा 4x यहाँ से हो जाएगा 4 × 8, ये हो जाएगा 8x + 3 × 6 = इसको इसके साथ अगर जो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 × 4 = 13 × 26। इस प्रकार से 264 आया है, और नीचे भी देखते हैं दोनों को गुना करके, तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 15x - 3 × 6 = अब इसको इसके साथ गुना करते हैं तो 3 × 6 और 4 × 12,
ये हमारा माइनस में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों को हम घटा देते हैं, 6y में से 6y चला जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब यहाँ जो है प्लस प्लस में है, तो 15 और 8 जो होता है कितना होता है, तो 23 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 23x = यहाँ जो है प्लस में है, यहाँ क्या है माइनस में है, तो प्लस माइनस हम क्या करते हैं घटाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लिखते हैं। तो 264 में से 126 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे पहचा देंगे इसमें से, इसको एक दहे पहचा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया तो बच गया 8। अब जो यहाँ बच रहा था 5, हमारा बच रहा था 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, और यहाँ जो बच रहा था कितना है, यहाँ जो है 2 बच रहा है, 2 में से 1 गया तो 1, ये हमारा 138 आ जाएगा। अब देखेंगे 23 से कटता है या तो नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा x = आ जाएगा 138/23। अब 23 का पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मरतेम पढ़ आता है, 6 जो है x = जो है 6 से ये कट जाता है। अब जो है क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या तो y का मान, ये समीकरण फर्स्ट में या तो सेकेंड में x का मान रख देते हैं, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण जो फर्स्ट दिया गया है हमारा 4x + 3y = यहाँ जो है 132 था, तो 132 लिख देंगे। उसके बाद जो है 4 × x का जो मान आया हुआ था हमारा 6 है, तो 6 को रख देते हैं, प्लस हो जाएगा 3y = 132। अब यहाँ से गुना करते हैं कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, गिनती को एक साइड कर देते हैं, 132, और ये साइड क्या है 6×24, ये साइड प्लस में था 24, तो वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 24। यहाँ से क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा 3y = यहाँ 132 में से 24 को घटा देते हैं, तो बच जाएगा कितना 108। अब 3 से भागा देते हैं इसको, तो 3 से कट जाएगा, 3×3 9, बच गया 1, 3×6 18, तो ये हमारा बाई का मान जो है आंसर आ गया 36। इस प्रकार से हमारा दोनों जो है आंसर x और y का मान प्राप्त हो चुका है, x का जो मान आया हुआ है 6 आया हुआ है, y का मान जो है 36 आ गया है। तो इस प्रकार से हमारा दोनों आंसर जो है प्राप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।